दोस्तों आज हम इस होम थिएटर को रिपेयर करेंगे। इंटेक्स कंपनी का है, इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें लाइट नहीं जल रही है बट ये ऑन हो रहा है। जब इसको हम ऑन कर रहे हैं तो इसके स्पीकर से ऑन ऑफ होने का साउंड आ रहा है, जो इसका बेस का होता है स्पीकर, जैसे कि आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। तो टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसको भाई चेक कैसे किया जाएगा और इसके फॉल्ट का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके फ्रंट का जो कवर है उसको उतारना है, तो आसानी से खुल गया। अब यहाँ पर इसके दो कनेक्टर आए हुए हैं, एक ये कनेक्टर है, ये मे बी एंटीना का हो सकता है, और दूसरा वाला ये वाला कनेक्टर है। और यहाँ पर हम ट्वीजर चिमटी टच करते हैं। एक मिनट, इसका साउंड मैं पीछे से बढ़ा लेता हूँ। तो उसके बेस का साउंड बढ़ा दिया है। इस तरीके से फिंगर टच करने पर हमिंग आ रही है, जैसे कि AUX के पॉइंट में टच करके आती है। तो इसका मतलब है कि वर्किंग कंडीशन में है, बस इसकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि जो इसके कार्ड के लिए वोल्टेज है वो बन रही कि नहीं। अगर नहीं बनेगी या फिर जो भी रहेगा वो क्लियरली आपको मैं बता दूंगा कि किस सेक्शन से इसको हम सही कर सकते हैं। तो देखिए, कैमरा सेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को हम DC 5 वोल्ट पे रख लेते हैं, यानी कि 20 वोल्ट पे रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने चेक करना है, इसमें ग्राउंड का पॉइंट हमने फाइंड करना है। ग्राउंड अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर USB के ऊपर और इसके ऊपर आप रख सकते हैं, मेटल के ऊपर, ये भी ग्राउंड का ही पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज को चेक करना। किसी भी पिन में वोल्टेज नहीं बन रही है, इसका मतलब ये है कि अंदर से हमारे कार्ड के लिए वोल्टेज नहीं आ पा रही है। तो क्यों नहीं आ रही है इसका हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं और इसका बैक से सारे स्क्रू वगैरह खोलते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है। तो चलिए सारे स्क्रू मैं खोल लेता हूँ। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर लेना, शॉप में ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह सुनने को मिले, तो उसको इग्नोर करके आप यहाँ पर मेन मेन टॉपिक पे ध्यान देना। यहाँ पर सील लगाई हुई है इंटेक्स की, यहाँ पर भी एक स्क्रू दिया हुआ है, तो फाइनली खुल चुका है। अब यहाँ पर हमने चेक करना है। तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया है, अब जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं फॉल्ट की तरफ चलूँगा। ये 2.1 होम थिएटर है, 3 IC इसमें लगी हुई है, 20-30 IC वाला ये होम थिएटर बोर्ड है। और यहाँ पर भाई 3 IC जो लगी हुई रहती हैं उनको 2.1 होम थिएटर कहा जाता है। दो इसके लेफ्ट राइट के चैनल होते हैं, एक इसका वूफर का होता है। तो एक IC हमारे वूफर के लिए होती है, दो हमारी लेफ्ट राइट के लिए होती है। तो यहाँ पर ये जो है अच्छी क्वालिटी का है, इंटेक्स तो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, हालांकि इंटेक्स सब वो फर होम थिएटर के लिए काफ़ी फेमस है। तो अब यहाँ पर अब फॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो सामने के लिए एक कनेक्टर जा रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो वो कनेक्टर हमने देखा, उस पर वोल्टेज वगैरह हमने चेक करी तो वोल्टेज नहीं थी। तो अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये कनेक्टर कहाँ से कनेक्टेड है। ये कनेक्टर इस जगह से कनेक्ट है और यहाँ के यहाँ पर जस्ट बगल में एक IC लगी हुई है। असल में ये एक रेगुलेटर IC है 7805 की। तो इस IC पर ही हमने वोल्टेज चेक करनी है, कहीं IC फेल तो नहीं है, वो हमने चेक करना है। यहाँ पर आपको मल्टीमीटर थोड़ा सा मैं क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मल्टीमीटर इस तरीके से, चलिए आपको मल्टीमीटर की डिस्प्ले शायद दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो IC है इसकी जो फर्स्ट पिन होती है वो हमारी इनपुट की होती है, सेकंड ग्राउंड की होती है, थर्ड आउटपुट की होती है। जो IC को अगर सामने रखें, इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा,
तो अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पर वैसे बैक से तो आपको ये थर्ड नंबर की लग रही होगी, बट अगर इसको हम सीधा करें तो ये फ्रंट नंबर, ये फर्स्ट नंबर की हमारी लेग होती है, ये सेकेंड होती है, ये थर्ड होती है, ये इनपुट की, ये ग्राउंड की और ये आउटपुट की। यहाँ पर इनपुट होता है 6-7 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक इसमें इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट में सिर्फ फिक्स 5 वोल्ट इसमें मिलता है। तो ये 78.5 की एक रेगुलेटर ऐसी होती है, तो यही पर हमने चेक करना है। चलिए थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ मल्टीमीटर को भी। अब यहाँ पर इस वाले टर्मिनल को आप इस आईसी के बीच वाली पिन पे रखेंगे, बीच पिन पे रखेंगे, और इसको आप फर्स्ट पिन पे रखेंगे। तो इसमें वोल्टेज हमें चेक करनी कितना आ रही है, अगर आप दिख रहा हो तो ये देखिए, शायद अब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसको बीच पे रखेंगे, इसको फर्स्ट पिन पे रखते हैं, तो वोल्टेज अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो 18 वोल्ट समथिंग इसमें दिखा रहा है, तो लगभग 18 वोल्ट इसमें इनपुट कर रही है। अब आउटपुट का हम चेक करते हैं, वही बीच में हमने ब्लैक प्रोब को रखना ही है और यहाँ पर हमें चेक करना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 4.9 वोल्ट 99 कर रहा है, यानी कि 5 वोल्ट इसमें से आउटपुट कर रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट इसमें से आउटपुट कर रहा है, ये देखिएगा 5 वोल्ट इसमें से आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट ये बना रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये देखिए ये पॉइंट हमारा इधर से कनेक्टेड है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर, यहीं पर कुछ ना कुछ फॉल्ट मेरे को लग रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट इधर पे दिखा रहा है देखिए, और यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, एक सेकेंड, दिक्कत पकड़ में आ गई। ये देखिएगा आखिर फॉल्ट इसमें है क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो यही इसमें फॉल्ट है। अगर आपको दिख गया हो तो वीडियो को लाइक मार दो। आपको दिख रहा है यहाँ पर इसने अपनी, इस लेग ने अपनी जगह छोड़ रखी है। जगह छोड़ने का मतलब ये है कि 5 वोल्ट नहीं बनाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको देखिए बिल्कुल लाइव आपके सामने इस कनेक्टर को हिलाऊंगा तो वहाँ डेफिनेटली चलना चाहिए कार्ड। देखिए मैं वाइड एंगल में रख लेता हूँ उसको ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए अभी चल गया यहाँ पर कार्ड, और उसको दोबारा हिलाता हूँ, देखिए उसको हिला रहा हूँ, ये बंद हो गया। इसको हिलाता हूँ, दोबारा से खींचता हूँ, ये देखिए चल गया, हाई लिखा हो रहा है, ये ब्लूटूथ आ रहा है। अब मैं इसको हाथ से छोड़ देता हूँ, ये एक बार हिलाता हूँ फिर से, ये देखिए बंद हो गया, ये बंद हो गया, फिर से रिस्टार्ट हो गया यहाँ पर ये, और इस तरीके से फिर से हिलाता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यही दिक्कत इसमें बन रही है, यानी कि इस कनेक्टर में खिंचाव पड़ने की वजह से यहाँ पर ये पॉइंट अपनी जगह छोड़ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बस ये रही इसकी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करते हुए चलें तो प्रॉब्लम आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जरा सा भी अगर आपको फील होता है ऑन ऑफ करने में, बेस का जो हमिंग साउंड आता है ना, एक धप धप से ऑन ऑफ करता हूँ, सुनिएगा ये खट खट साउंड आता है ना स्पीकर पे, अगर आपको फील हो रहा है तो आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, इसमें वोल्टेज को चेक करना स्टार्ट कर दीजिए कि कार्ड तक वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अगर कार्ड तक वोल्टेज नहीं पहुँचेगा तो कार्ड चालू नहीं होगा, कार्ड चालू नहीं होगा तो आपका होम थिएटर जो है आउटपुट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही है। चलिए मैं इसमें सोल्डरिंग मार देता हूँ फटाफट से, परमानेंट इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अब देखिए सोल्डरिंग मार दी है, अब यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने इसको ऑन कर लेना है, ये रहा भाई हाय ब्लूटूथ, ये रहा इसका असली फॉल्ट, देखिएगा। तो कितनी आसान तरीके से हमने इसको ठीक कर लिया है, देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे फॉल्ट्स भी आ जाते हैं जो लगता है कि यार रिपेयर नहीं होगा या कहाँ से होगा फॉल्ट, ऐसा ऐसा दिमाग में आ जाता है, बट रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आसानी से ठीक हो जाएगा। बाकी जब भी होम थिएटर में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, ये जो आईसी है ना, आईसी चेंज कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर 3 आईसी हैं,
एक आपकी लेफ्ट चैनल की है, एक राइट चैनल की है, एक बेस की है। लेफ्ट चैनल से आवाज़ नहीं आती लेफ्ट की ऐसी, राइट से आवाज़ नहीं आती राइट की ऐसी, और बेस से कोई भी आपको साउंड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये वाली ऐसी चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जो ऐसी इसमें लगी हुई है, ये आपकी, आपको लग रहा होगा कि यार कौन सी ऐसी है, ये असल में 4558 ऐसी है, बट SMD वाली भी लगाई हुई है। बड़ी वाली जो है वो भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बड़ी नहीं है छोटी है तो उसको भी लगा सकते हैं। ये 4558 इसमें लगाई गई है, ठीक है। ये SMD वाली है, तो ये भी आसानी से उपलब्ध मार्केट में हो जाती है, 5-6 रुपये में मिल जाती है। बाकी बड़े कंपोनेंट्स की जगह SMD कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस वही है जो आप बड़े होम थिएटर्स में देखते हैं, बस कंपोनेंट को छोटा कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।